अच्छे होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 8 बज रहा है, मेरा आज का काम खत्म करके नहा करके पूजा करनी है, आज नाश्ता भी बनानी है, बहुत गर्मी बहुत बेहाल है। हाल से पूरा बेहाल, तो अभी को नहला दिया, रोज 3 दिन से नहला रहा, तभी भी बेचारा फतवा को भी तबीयत ठीक नहीं, इसको नहला देंगे सोच रहे ना काट उठ लेगा, इसलिए नहीं नहा, उसको नहला दिए। वो बैठा था बाहर, खाली मम्मी को देख रहा आ गया, देखते देखते दूध नहीं पिएगा। कल रात को कितना गर्मी था, तब भी खिड़की सब बंद करके सोए थे। परसों रात का जो बात आप लोग देख लीजिए मेरा वीडियो में, परसों रात को क्या हुआ, ये आके यहाँ बैठ गया, इसको देखिए बाहर में बैठा हुआ है, बार बार मम्मी किचन में थी भी मम्मी को देख रहा था। नाश्ता बन के रेडी हो गया, पराठा मिक्स वेज सब्जी प्याज, चले नाश्ता करने। नाश्ता हो गया, नाश्ता करने के बाद हम बर्तन भी धो दिए हैं, मम्मी मार्केट से सब्जी है, मम्मी उसी को ठीक करी है, टमाटर करेला, करेला नहीं ही करेला, इसको ये तो करेला है ना, बैगन, पम्पकिन, मिर्चा, खीरा, आलू प्याज भी आया है, परवल भी आया है, एक छोटा सा नींबू झांक रहा हूँ अंदर से, गर्मी से बेहाल, पावर नहीं है, पूरा पसीना बेहाल, काम तो लेकिन करना ही पड़ेगा, हम भी बर्तन धो के आए तो एकदम तरतर हो गए गर्मी से। आज सब्जी में मूंग दाल बनाए हैं और अंडा आलू का करी सूखा सूखा बनाया और परवल फ्राई, आज का मेनू यही है, आज कुछ नहीं है और इधर चावल चढ़ाए हैं। आज नहाने के पहले ही खाना खा ले रहे हैं, अंडा कढ़ी बना है, खीरा, परवल फ्राई और प्याज और दाल। रात को अभी 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, हम ना ये डिनर करके बर्तन वर्तन धो लिए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। पातू का तबीयत काल खराब था, आज ठीक हो गया पातू, आज ये लंच भी किया, नाश्ता भी किया सुबह, फिर अभी डिनर भी कर लिया। और यहाँ पर फैन चलता है इसीलिए ना इसी के नीचे थोड़ा आके बैठने कुछ था, क्या करिएगा, बाहर थोड़ा गर्मी है तो इसीलिए आके बैठता है। अभी चावल दिए, दूध सान के दिए, कड़ी टाइप का कुछ सब्जी नहीं है, जो लोग हम टमाटर और बैगन का ये चोखा बनाए थे हम लोग रोटी खाने के लिए, तो उसमें चावल साना नहीं जाएगा, इसीलिए थोड़ा दूध सान के उसको दिए, इसको दिए और दो को जो है बाहर में वो लोग को भी दिए, थोड़ा कम पड़ा शायद, हमला तबीयत खराब है, दिन को ठीक, तीन को एक गो डहर डॉगी बाहर का वो लंच नहीं किया, उसका भी कर लिया अपना भी कर लिया, तो इसीलिए थोड़ा कम से दिए थे। फिर मेरे को देख रहा था एक गो रोटी भी दिए, खा करके यहाँ आराम से बैठा है, हम लोग माँ बेटी यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ऐसा दिख रहा है अंधेरा में आप लोग से बात कर रहे थे, नहीं लाइट यहाँ पर, लाइट नहीं जला है, यहाँ का लाइट नहीं जला है, लेकिन यहाँ पर लाइट है, जो बरंडा नहीं है वो ही कलर जला था। डिनर करने जा रहे हैं, छत का ऊपर थोड़ा बैठेंगे, छत का ऊपर शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, घर के घर में रहने मन नहीं करता, क्या करें, फिर वहाँ से आने से बिस्तर में जेट से लेट जाते हैं ना, लेटने तो मन नहीं करता गर्मी, 11 बजे 10 साढ़े 10 11 बजे तक आ जाते हैं, फिर उसका बाद फिर वही गर्मी में सोना पड़ता, चोर जो आया था उसी का डर में परेशानी है। हम तो चल जाते छत, सोमा को हम बैठा के रखा, बोले कलर दूसरा गेट में ताला मार दो और बैठो, नहीं रुकिए हम भी जाएंगे आपका साथ, ठीक है कुछ बोलना है, यही तो देखी थी चोर, बहुत याद दिलाई है, हम ही देखे थे, मम्मी को बोले, मम्मी सोचे हम मजाक कर रहे हैं, हम सोचो मजाक कर रहे हैं, डरा रहे है, हम दूसरा गेट में देख रहे थे, बड़ा वाला गेट में तो वहाँ नहीं बोलता, छोटा गेट में देखिए मम्मी, छोटा गेट, जब छोटा गेट के नीचे तरफ देखे उसका पैर दिखाई दिया। अभी भैया बोल रहे थे मासी घर चल रहे, हम अभी हम लोग मम्मी काम करने उठते है ना, मम्मी जब नहीं रहती कितना 3:30 बजे से उठते है, उठ नहीं सकेंगे। और हम लोग स्कूल लेके चले जाने से भी घर में ये लाइट उठ नहीं जलेगा तो अंधेरे में और चोर लोग को ज्यादा मौका मिलेगा। पापा रहेंगे, पापा कह रहे आते हैं ना सो जाते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं।
गर्मी भी बहुत पड़ा है, नहीं है, मेरा दीदी बुला रही थी मेरा बेटा को जो आओ और लोग का कटहल पेड़ में कटहल पका है और लेते जाओ, और थोड़ा सा मूढ़ी वहाँ का अच्छा है इसलिए बोला मूढ़ी लेते जाओ। और अभी मूँगफली वहाँ जो लगाया गया था ना वो मूँगफली हो गया है, वो भी थोड़ा सा ले जाओ बोल के बोल रहा था, तो बोल रही थी। तो हम बोले गर्मी में हम नहीं जाएंगे, बेटा बोल रहा चले मम्मी हम लोग चले, सोमा डरेगी अकेला रहेगा, पापा नहीं रहेंगे दिन भर, रात को 9-9:30 बजे तो आएंगे, 9:30 बजे तो आएंगे, तो इसीलिए डरेगी। तो हम बोले नहीं, फिर बोला उसको भी लेते चले, तो हम बोले ना ना घर अभी ये हो जाएगा अकेला पड़ जाएगा, पता नहीं वो ने क्या कारण से गेट में आके रात 1:30 बजे खड़ा है, उसका मन में क्या है पता नहीं है। अभी आएगा तो हम लोग उसको कुछ नहीं बोलेंगे, छत का ऊपर चढ़ जाएंगे, 2-4 को ईटा रखे हैं, वो ईटा उसका कुछ करेगा तो नहीं तो हम नहीं करेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे, उसका माथा पर ईटा गिरा देंगे बस। उसको चोट थोड़ा बहुत लगेगा तब तो किसी का द्वारी पर, मतलब रात को 1:30 बजे नहीं झकना चाहिए ना किसी को, उसका मन में क्या है वही जानता है अभी। हम लोग देखे जब हम लोग का दिल पे क्या भी तो हम लोग ही समझ सकते हैं ना। मेरा दीदी का एक तो पोतोई जो है ना उसका एक तो बहन चोर को पकड़ा था, तो पुलिस उसको उड़ीसा बंगाल का बॉर्डर में चोर आके वो लोग का घर का पूरा आंगना में पूरा आ गया था, तो एक को चोर को वो पकड़ी थी और दूसरा चोर सबको शायद उसका भाई ना कौन को पकड़ा था, वो लोग तो भाग गया, एक तो को पकड़ करके वो लोग रखा, तो उनको पुलिस का जॉब मिल गया, उसी लिए प्राइज भी मिला, फिर वहाँ का पंचायत का सरफ तरफ से शायद और पुलिस का जॉब भी मिल गया। लेकिन हम लोग का यहाँ 12-13 साल हो गए हम लोग आए हैं, आज तो कुछ नहीं, पहले मेरा गेट उट कुछ नहीं था, पूरा एकदम खाली था, तभी भी कुछ नहीं, अभी सब चारों तरफ गेट उट हो गया, लेकिन तभी भी आके 1:30 बजे रोड में जाता तो हाँ हम लोग सोचते हैं रोड का आदमी है, कंपनी एरिया ना इंडस्ट्री एरिया है, कोई जॉब उब करके रात को शायद छुट्टी है जा रहा, अभी रात 1:30 बजे किसी के गेट पर चिपक करके उसके ऐसे ऐसे करने से क्या मन में आएगा, कुछ तो होगा ना सुमा। नीचे बैठने को मन करा, ऊपर बैठने को मन नहीं करा, जैसे जमीन में लेट भी जाए, लेकिन टॉपी है बालू है नीचे नहीं लेटते, इसीलिए आज का ब्लॉग यही करते हैं, कल नहीं ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं। गुड नाइट बाय, बोलो सुमा गुड नाइट बाय।